गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे, आज की कक्षा में मैं आपको हिंदी व्याकरण से चित्र वर्णन करवा रही हूँ, यानी कि आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसमें जो चित्र वर्णन शीर्षक है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ कि चित्र वर्णन होता क्या है। अब चित्र वर्णन में क्या होता है कि हम आपको परीक्षा में एक चित्र देते हैं। आपने देखा भी है कि आपकी जो पुस्तक है उसमें भी काफी छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उनमें तरह तरह के कलरफुल से चित्र दिए होते हैं। तो आपको उस चित्र में जो कुछ भी नजर आता है, जो कुछ भी आपको समझ आता है, वो आपको अपनी भाषा में लिखना होता है और उसे चित्र का वर्णन कहते हैं, यानी चित्र वर्णन कहते हैं। यानी कि चित्र वर्णन होता है चित्र के बारे में देखते हुए उसी के बारे में वाक्यों में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक चित्र दे रखा है, तो सभी बच्चे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, छोटे छोटे वाक्य आपको लेने हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ पंछी उड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश अभी शुरू हुई है तो पंछी अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं ना। कुछ पंछी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा, यहां पर एक वृक्ष है, यहां पर एक वृक्ष है। जैसे जैसे आपको चित्र में दिखता जाए वैसे वैसे आप काम करते जाएंगे। वृक्ष के सामने एक झोपड़ी है, वृक्ष के सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी है। उसके बाद है, झोपड़ी के आगे कुछ घास उगी हुई है, झोपड़ी के आगे कुछ घास उगी हुई है, हुई है। फिर देखिए, कुछ पंछी हैं वो वृक्ष पे बैठ गए हैं। तो यानी कि जैसे जैसे चित्र वर्णन होता जाएगा आपको चित्र में सारी बातें समझ आती जाएंगी। घने बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हुए हैं। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वृक्ष पर भी पंछी बैठे हैं, कुछ पक्षी वृक्ष पर बैठ गए हैं, बैठ गए हैं। क्योंकि आपको पता है ना, कुछ तो वर्षा में घूमते हैं और कुछ छुप जाते हैं, तो कुछ तो भाग गए और कुछ यहाँ वृक्ष पर बैठ गए हैं। तो आपने देखा कि जो चित्र वर्णन होता है, चित्र वर्णन में जैसे जैसे आप चित्र को देखते जाते हो वैसे वैसे जो जो भी वाक्य आपके मन में उभरता जाता है, यानी कि आपका जो मनोभाव है उस पर आधारित जो जो शब्द आपके मन में आते जाते हैं उनको जोड़ते जाना, वाक्य बनाते जाना, और इस प्रकार से आपका चित्र वर्णन हो जाता है। तो बेटे, आज की कक्षा में इतना ही, क्योंकि ये जो टॉपिक था वो काफी छोटा है और चित्र वर्णन ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि चित्र आपको मिलेगा और चित्र में देखते हुए जो जो भी पंक्तियां आपके मन में उभर कर आती हैं उनको आपने शब्दों में पिरोकर वाक्य बनाकर आपके पेपर पे उतार देना है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं होती, बाकायदा आपको आंसर ही मिल गया है, ये चित्र ही है। आपके आसपास जितनी भी आकृतियां होती हैं आप उन्हें देख के भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है अगर ये 3 नंबर में है तो कम से कम 4-5 लाइनें, और अगर 5 नंबर में है तो 6-7 लाइनें। ठीक है, अगर मैंने 5 नंबर में ये डाला है तो कम से कम आपको ये 6-7 लाइनें अवश्य लिखनी होगी। तो बेटे, आज की कक्षा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का जो चित्र वर्णन है वो आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी पुस्तक से इसका अभ्यास जरूर करें, लिखित अभ्यास अनिवार्य है। ओके बेटा, थैंक यू।